आज स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ अनिल राजभर श्रम मंत्री व राकेश सचाना एमएसएमई मंत्री भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री के संबोधन के शुरुआत में ही अव्यवस्थता दिखाई पड़ी। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय पार्षद का नाम न लेने को लेकर हूटिंग की। वहीं पार्षद द्वारा पिटाई से क्षुब्ध युवक ने नारेबाजी कर न्याय की गुहार लगाई। आइए नजर डालते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा वाक्य। बहुत बढ़िया किया तुमने, ऐसे ही कार्यकर्ता होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की अपील की, जिससे देश का पैसा देश में ही रहे। कार्यक्रम में सेवा योजन के माध्यम से 41 बच्चों को नौकरी मिली, जिसमें प्रतीकात्मक रूप में उप मुख्यमंत्री ने 2 बच्चों को सर्टिफिकेट दिए। कार्यक्रम में मंत्री राकेश सचाना व मंत्री अनिल राजभर ने भी संबोधन किया। कार्यक्रम में सुरेंद्र मैथानी, महेश त्रिवेदी, प्रमिला पांडे, अरुण पाठक, रघुनंदन भदौरिया, रविंद्र पाटनी, सर्वेश शुक्ला आदि उपस्थित रहे। आइए नजर डालते हैं पूरे कार्यक्रम। सुबह मुरुज खरीदेंगे तो अलगेट का पैसा कहाँ जाएगा? विदेश में जाएगा। नहाएंगे तो कौन से साबुन से नहाएंगे? हम भारत के साबुन से नहाएंगे, ठीक है ना? और अपने क्षेत्र के साबुन से नहाएंगे, ठीक है ना? अब दूसरा क्या हो गया? खाने के लिए हमारे बच्चे जाते हैं हाई स्कूल, इंटर पढ़ रहे, पिज्जा बर्गर खाते, पैसा कहाँ जा रहा है? विदेश जा रहा है। हम कपड़ा खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़ा खरीदोगे, ये जो कपड़ा होता है ना, ये जो यहाँ पर बना रहता, क्या बोलते हैं उसको, अभी 2 लोगों वो कहाँ जाएगा पैसा? विदेश जाएगा। तो अब हमारी आर्थिक स्थिति नहीं बढ़ रही है, पैसे हमारे कमा करके विदेशी कंपनियां लेके जा रही है। हमें चिंता करना है। आगरा में एक मरीज चीन से यात्रा करके आया था, हमें मिला है, पॉजिटिव मरीज है, हमने उसकी जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा है। हम अपने प्रदेश के सभी लोगों से अपील करते हैं, कृपया जो विदेश यात्रा करके लोग आए हैं, भाई बहन है, उनको आइसोलेशन में रखे, जांच कराए, यदि पॉजिटिव है तो जीनोम टेस्टिंग कराए, क्योंकि वेरिएंट पता चल सके कौन सा वेरिएंट है, कोई पैनिक नहीं है। कल पूरे प्रदेश में लॉक ड्रिल करेंगे कि हर अस्पताल में हम चेक करेंगे ऑक्सीजन प्लांट के बारे में, वेंटिलेटर्स के बारे में, चिकित्सकीय स्टाफ के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, पैरामेडिकल के बारे में, हम अपने नर्सिंग के बारे में, और पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करेंगे। प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि कोविड के लिए, अन्य स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपके लिए संकल्प है, हर स्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन आज विशेष स्वदेशी जागरण मंच का है। हम सब दैनिक उपयोग में लाने वाली वस्तुओं को, अपने जो भी सामान खरीदे, हम उत्तर प्रदेश में बनी, भारत में बनी खरीदे, तभी प्रदेश और देश को आर्थिक मोर्चे पर हम नंबर 1 पर ला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे स्वदेशी जागरण मंच हर जिले में, हर नगर में, हर गांव में, हर प्रदेश में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन क्यों करता है? कभी आपने इस बारे में विचार किया? कार्यक्रम हम लोग इसलिए करते हैं स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से, क्योंकि हमारा देश बहुत तेजी के साथ दुनिया के प्लेटफॉर्म पर, आर्थिक मोर्चे पर भी नंबर 1 पे आने के लिए बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, हमें उन्हें खरीदना है। इस मूवमेंट की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने आजादी से पहले की थी, और छोटी मोटी शुरुआत नहीं थी, बड़ी शुरुआत थी, और उन्होंने विदेशी वस्तुओं की केंद्र सरकार की है, सेना में है, पुलिस में है, स्टेट में है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है, वो कुल 50 करोड़ काम करने वालों में 2% है, सिर्फ 2%। और दूसरा सपना रहता है नौजवान का, हम लोगों ने 75 डिस्ट्रिक्ट में 21 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक 8-9 दिन हम लोगों ने पूरे जिलों में इस तरह के मेलों का आयोजन किया, जिसमें कि इन उत्पादों को हस्तशिल्पी या जो छोटे छोटे कारीगरों के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनको अच्छा बाजार मिले, लोग देखें,
और उनको खरीदे। जिस तरह से ये प्रयास है बहुत सराहनीय है। और आज जो हम लोगों की नीतियां अभी 25 पॉलिसी हम लोगों ने जो बनाई है उसमें एक एक पॉलिसी में एक एक विभाग ने इस तरह से बनाई कि इतना प्रोत्साहन देने का काम जो एमएसएमई की हम लोगों ने पॉलिसी बनाई। आपने आयोजन किया जो भव्यता आज पूरे स्वदेशी ओडीओपी खादी हैंडलूम जो हमारे हस्तशिल्पी लोगों के द्वारा उत्पाद है आज उनका बड़ा मेला लगा करके आपने कानपुर में एक ऐतिहासिक काम की शुरुआत की है। अभी कार्यक्रम विराम नहीं हो रहा है। अंकित सिंह और नायक यादव को यहाँ पर नौकरी मिली है उसका नियुक्त पत्र माननीय रास्ता समाजवादी पार्टी पार्टी है उसी परंपरा का निर्वहन समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये निकाय चुनाव को देख के नहीं लग रहा ऐसा कि चाचा साथ में आ गए कुछ? देखिए चुनाव में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, चुनाव तो अदालत में है। जैसे आपने देखा यहाँ अभी स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी अभी कार्यक्रम से शिरकत करके निकले हैं। कैमरामैन अभिमन्यु कुमार के साथ अंकित सिंह कुशवाहा उपसंगार न्यूज। हम आपका विश्वास करना चाहते हैं हमारे मिश्रा जी बने रहिए हमारे साथ। हम हैं उपसंहार न्यूज।